ब्लॉग देख कर की दिल की तसल्ली कर लेते हैं। बट यहाँ पर आ गया सबसे बड़ा ट्विस्ट, मेरी लिटरली वाट लग गई वाट। कॉपीराइट चेकिंग, एज डिवर्शन प्रोसेसिंग, वेट करते करते हो गया 1.5 से 2 घंटा। कल रात को सो तो गया था मैं, बट फिर भी सोते सोते बच गया था मुझे करीबन 3:30। माँ तो रख करके गई है, बट कैसे लेंगे कुछ पता नहीं। ये मेरे बचपन से दूध दे रहे हैं हमारे घर में। तो फिलहाल मेरा काम तो हो गया खत्म और बाकी का काम अभी मऊ का है। कन्फर्मेशन आया है माँ की तरफ से कि ये रखता हूँ ना कभी 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 कभी। होला अमिगोस, तो भी आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार कल का ब्लॉग अपलोड करने में मेरी लिटरली वाट लग गई वाट। कल रात को ब्लॉग की एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद मैं जब ब्लॉग को अपलोड करने गया तो अपलोड में बिठाने के बाद दिखा रहा था 11 मिनट्स। तो 11 मिनट्स देख करके मैंने सोचा वाह यार बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा फिर तो। और वैसा ही हुआ, 11 मिनट्स के अंदर अंदर ब्लॉग अपलोड भी हो गया। बट यहाँ पर आ गया सबसे बड़ा ट्विस्ट, ब्लॉग अपलोड होने के बाद भी कुछ प्रोसेसिंग चलता है, वो कॉपीराइट चेकिंग, एज डिवर्शन प्रोसेसिंग, ये सब होता रहता है। और इन जनरल ये होने में टाइम लगता है ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। तो इसीलिए मैं वेट करता रहा कि अभी हो जाएगा, बट वेट करते करते हो गया 1.5 से 2 घंटा, फिर भी अपलोड कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुआ। तब मैं सोचा कि इसके लिए बैठ करके कोई फायदा है नहीं, तो मैं उसको ऐसे ही अपलोडिंग पे लगा करके सो गया। और सुबह उठ करके 7:30 बजे के करीब मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया। कल रात को सो तो गया था मैं, बट फिर भी सोते सोते बज गया था मुझे करीबन 3:30। तो कम ही सही, बट थोड़ी सी नींद मुझे मिल गई थी। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:45, तो जाकर के देखते हैं अभी कि मो आज के ब्रेकफास्ट में क्या बनाई है। तो भैया फिलहाल अभी मैं करने वाला हूँ ब्रेकफास्ट। मो का ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो गया है कंप्लीट, और आज मैं ब्रेकफास्ट में लेने वाला हूँ फिर से मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स। और उसके साथ साथ मैं देखने वाला हूँ मुंबई का निखिल का ब्लॉग। यार इस बार लद्दाख तो मैं जा नहीं पाया, तो निखिल भाई का ब्लॉग देख करके दिल की तसल्ली कर लेते हैं। और निखिल भाई का ब्लॉग मैं कल का नहीं देखा था, तो पहले देखूंगा कल का ब्लॉग, उसके बाद आज का देख लूंगा। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्लॉग एंजॉय करते हैं। तो भैया ब्रेकफास्ट तो मेरी हो चुकी है कंप्लीट, और आज गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। कल तो बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो इसीलिए थोड़ी सी राहत थी, बट आज पूरा धूप ही धूप। सो फॉर द ऑब्वियस रीजन गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और गर्मी जब बढ़ जाती है तो वोल्टेज तो लो ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। तो इसीलिए फैन का स्पीड जो है ये फुल है, तो आप देखो कितनी तेज ये चल रही है। तो भैया मैं रिपोर्ट्स बना रहा था ऑफिस का, और दूध वाले अंकल आए हैं दूध देने, और मो और माँ दोनों ही नहाने गई है, तो इसीलिए मुझे ही लेना पड़ेगा। तो ये माँ तो रख करके गई है, बट कैसे लेंगे कुछ पता नहीं। तो ये थे हमारे सोम अंकल। ये मेरे बचपन से दूध दे रहे हैं हमारे घर में, मतलब मैं जब क्लास 4-5 ऐसे में पढ़ता था तब से दूध दे रहे हैं। तो हो गया काम, बहुत इजी था। अरे हाँ, दरवाजा बंद करना है। तो भैया सब कुछ तो हो गया है, और अभी है काम पे लगने की बारी। ऑफिस का कुछ पेंडिंग काम बचा है जो कि मुझे आज ही कंप्लीट करके भेजना है। एक्चुअली मुझे 2 रिपोर्ट्स बना करके भेजने हैं, तो सबसे पहले वही काम करते हैं जा करके, और उसके बाद कल के ब्लॉग की एडिटिंग करने बैठेंगे। 2000 years later। तो भैया रिपोर्ट तो बनाना हो गया है मेरा कम्प्लीट, और उसके बाद मैं सीधा चला गया नहाने, क्योंकि तब बज रहा था ऑलरेडी 2:30, और अभी बज रहा है 3:45। तो नहाने में तो थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है मुझको। और यहाँ पर ये जो सारे कपड़े आप देख रहे हो, इसको आज मुंह ने धो दिया था, तो ये था छत के ऊपर। कड़ी धूप है तो इसलिए जल्दी जल्दी सूख भी गई है, तो ये मैं नहाने जाने से पहले यहाँ पर ला करके रख दिया। अब इसको तू ठीक ठाक से रखेगी? नहीं नहीं, तुम रखोगे क्या? रखता हूँ ना कभी 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 कभी। तो फिलहाल मेरा काम तो हो गया खत्म, और बाकी का काम अभी मऊ का है। मऊ जानती है कब करेगी क्या करेगी। तो अभी फिलहाल खाना खाने चलते हैं सबसे पहले। तो यह बाबाई गए हैं कोर्ट फिर से, और माँ अभी बाबाई खाने का इंतजार कर रही है, और उसके बाद एक साथ खाना खाएंगे। और मैं और मो भी बैठ गए हैं खाना खाने, और आज के मेन्यू में है ये है कैबेज फ्राई, और ये है मछली, कौन सा, कतला, रोही मछली, ओके कतला। कंफर्मेशन आया है माँ की तरफ से कि ये कतला ही है। और ये है दाल, तो यही है आज के मेन्यू में। कल बहुत ज्यादा हेवी हो गया था खाना, तो इसीलिए आज थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि कम खाए। राइस जो है बहुत ज्यादा ले लिया है, इसको थोड़ा सा कम करके रखेंगे। तो फिलहाल अभी खाना खाते हैं और उसके बाद एडिटिंग करने बैठेंगे।
One eternity later. तो भैया ऑफिस का जितना भी पेंडिंग काम था वो तो मैंने बहुत पहले ही कंप्लीट कर चुका था, बट दोपहर को लंच करने के बाद जब मैं कल के ब्लॉग की एडिटिंग करने बैठा, शाम को फिर से आ गया था ऑफिस का और भी कुछ काम। तो ना चाहते हुए भी एडिटिंग को पॉज करके मुझे करना पड़ा, ऑफिस का जो काम था वो सब कंप्लीट करके मुझे भेजना पड़ा। तो इसीलिए एडिटिंग करने में हो गई थोड़ी सी डिले। अब काम भी तो क्या छोटा मोटा काम नहीं, मतलब इतना काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग था भाई। तो इसीलिए अभी तक मेरी एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। शाम को तो मैं इतना बिजी था कि मो मेरे लिए स्नैक्स बना करके लाई थी, नमकीन वगैरह, उसमें प्याज डालकर और भी कुछ था उसमें, उसके साथ चाय, तो वो भी मैं दिखा नहीं पाया, इतना ज्यादा बिजी था मैं तो। और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30, तो सोच रहे हैं कि आज थोड़ा सा फटाफट से खा लेंगे, मतलब डिनर कर लेंगे, क्योंकि वापस आ करके फिर से मेरी एडिटिंग जो है उसको कंप्लीट करनी है, वीडियो को अपलोड करना है, बहुत सारे काम बाकी है अभी। तो फिलहाल अभी डिनर करने चलते हैं और आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मुझे आकर के बहुत सारा काम करना है भाई, मतलब आज भी सोने में बहुत ज्यादा लेट हो जाने वाली है। तो इसीलिए आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करो, हो सके तो शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, नॉस बाय मास। कॉपीराइट चेकिंग वीडियो।